जो कल 3 तारीख को सुबह फांसी होनी थी उस पर स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब जो कल फांसी होने वाली थी 3 मार्च को सुबह 6 बजे अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की, वो फांसी नहीं होगी। में अमल करने में उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही है? तो कहीं ना कहीं जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो मुजरिम चाहते हैं वही होता है। हमारी सिस्टम का नाकामी दिखा रहा है, ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया में दिखाया जाता है कि नहीं इंसाफ है, तो इंसाफ से ज्यादा मुजरिमों का सपोर्ट होता है। और जो मुजरिम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा सिस्टम मुजरिमों को सपोर्ट करता है। अभी भी कोई डेट नहीं दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि अभी वो चाहते नहीं, उनके वकील चाहे मुजरिम चाहते नहीं है कि हमारी फांसी हो, तो जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। देखिए अब तो मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग जाके सरकार से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, पटियाला कोर्ट हाउस से पूछिए कि आखिर उनको फांसी कब होगी, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी तब तक गारंटी उनकी खत्म नहीं होगी अपने चक्कर में ना। लेकिन आप आज हिम्मत तो नहीं हारी है? नहीं, मैं आज हर रोज हारती हूँ, हर रोज खड़ी होती हूँ, मैं अभी भी हार नहीं मानी हूँ, क्योंकि उनको फांसी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने बताया दिखाया है कि हमारे संविधान में सजा है, तो निर्भया से खराब केस कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह से उसकी बर्बरता हुई थी, जिस तरह से उसको मारा गया था, रोड पे फेंका गया था, यहाँ तक कि उस बच्ची को अतड़ी तक निकाल के इस मुजरिमों ने बाहर फेंक दिया, फिर भी हम साथ साथ में संघर्ष कर, लेकिन सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट, पटियाला कोर्ट सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं, बच्चियां जलाई जा रही हैं, लेकिन इनके तक वाच अभी नहीं पहुंच रही। इस कोर्ट ने अभी पोस्टपोन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी, ये बात तो मैं पहले से ही बोलती आई हूं कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिफंक्शनल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये आज फिर भी मैं कह रही हूं कि बहुत जल्द हमें विदिन 2 और 3 डेज में एक फ्रेश डेट हमें फिर मिलेगी और वो डेट भी फाइनल होगी। लेकिन आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कोर्ट में कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 वीक का टाइम प्रिस्क्राइब किया था, उस टाइम का मीनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था उसका मीनिंग क्या है? क्या लास्ट ब्रीथ का मतलब ये होगा कि जब इन चारों कन्विक्टेड की नेचुरल डेथ होगी तिहाड़ जेल के अंदर, उसके बाद उसको लास्ट ब्रीथ माना जाएगा कि हमारे लास्ट ब्रीथ का मतलब ये होगा कि अब उसको मर्सी फाइल करनी है? तो देखिए ये सिस्टम ना, मैं कहूँगी मैम, एक तरीके से मेरे देश का सिस्टम सड़ चुका है। इसीलिए लोग ना जब बात करते हैं, बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, 20, 25, 30, 40 साल तक केस पेंडिंग है कोर्टों में, और लोग कहते हैं कि मैम अपनी मैं 10 बीघे जमीन के लिए केस लड़ रहा था, लेकिन इतना पैसा खर्च हुआ कि वो 10 बीघा जमीन मुझे बेचनी पड़ी। इसको जस्टिस कहते हैं? तो ये पूरे जस्टिस एक रिफॉर्म मांगता है। आज मैं पूरी तरीके से उम्मीद में थी, पहले इस कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि इनका जो ऑर्डर है कल वाला एग्जीक्यूशन है उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, मैं पूरी तरीके से खुश थी। एपी सिंह कोर्ट से निकलता है, इसको इतना टाइम मिला था, सफिशेंट टाइम मिला था, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो इतना टाइम मिलने के बावजूद भी ये आज जब ये कल हैंगिंग होनी है तो मर्सी फाइल करने जा रहा है। तो कोर्ट को क्या लॉ का मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने एक ऑर्डर किया था ना कि अगर लॉ का मैनिपुलेशन होगा तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चीजों को कैसे जी। क्या अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एक गाइडलाइन की बात की है, क्या आप लोग भी जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए मैम, सिस्टम खराब है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की भी जिम्मेदारी एज ए नागरिक, एज ए एडवोकेट हम सभी की है। और अगर वाकई में जो लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उनको जस्टिस मिले, इसके लिए हम सबको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज इसी तरीके से लॉ को मैनिपुलेट किया जाएगा। निर्भया जैसी और भी जो बेटियां हैं वो भी न्याय के उम्मीद में, कोई बेटियां सुसाइड कर रही हैं, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, और न्याय की घटना यही होता आ रहा है, और इसके हम सब हैबिचुअल हो चुके हैं। और अगर वाकई में अपने देश को, देश के नागरिकों को अगर उनको जस्टिस में न्याय दिलाना है तो ये देश बहुत कुछ रिफॉर्म मांग रहा है।